गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन मोतीलाल नेहरू स्कूल एंड टुडे वी विल डिस्कस आवर यूनिट टेस्ट ऑफ इंग्लिश. हेयर इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द काइंड ऑफ नाउन इन द सेंटेंस. जो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस से आपको नाउन फाइंड आउट करना है. द सेंटेंस इज देयर इज़ अ लार्ज क्राउड इन द मार्केट. मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है. What we call it? Crowd is a collective noun. क्यों है collective noun? Because वहाँ पर बहुत सारे people हैं, उसके peoples के group को क्या बोला गया है? Crowd. Second is truth is a kind of noun. Truth किस type का noun है? Truth is an abstract noun. क्योंकि truth को हम देख नहीं सकते. ठीक है, abstract में यही था ना हमारा, कि truth में हम उसे ना see कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही उसे टच कर सकती है. ये एक फीलिंग है. थर्ड क्वेश्चन इज टेक द नाउन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. पूरे ग्रुप में ये फोर वर्ड्स दिए हुए हैं. इन फोर वर्ड्स में आपको उस वर्ड को फाइंड आउट करना है जो इन सब में अलग है. राइस, प्लेट, टम्बलर, स्पून. ऑल दीज प्लेट, टम्बलर, स्पून आर द थिंग्स विच वी यूज इन किचन. Also rice is used in kitchen, but in four में से जो rice है वो एक material noun है. That's why this is different from the remaining three words. तो answer is rice here. Next fourth, water is precious. Water क्या है? Water यहाँ पर क्या है? Material noun. Material noun में क्या है? जिससे हम कोई और चीज़ बना सकते हैं, उसे किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे वाटर का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, इसलिए ये एक मटीरियल नाउन है. नेक्स्ट फिफ्थ, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स क्या है? कॉमन नाउन. जब हम प्रॉपर स्पैरो बोल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन. लेकिन यहाँ बर्ड वर्ड जो है वो स्पैरो के लिए भी है, पिजन के लिए भी है, पैरट के लिए भी है. जितने ही बर्ड्स होते हैं सबके लिए बर्ड वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो ये एक कॉमन नाउन है. फिल द नाउन, ये सेंटेंस है, इसमें आपको नाउन फिल करना है. फोर ऑप्शंस थे इसमें, तो इसका आंसर रहेगा डॉग, क्योंकि डॉग ही है जो एक फेथफुल एनिमल है. फेथफुल होता है वफादार. सेवेंथ सेंटेंस, शी रिफ्यूज़ टू फेस रियलिटी. सच्चाई, रियलिटी को फेस करने से उसने रिफ्यूज़ कर दिया. नेक्स्ट एट्थ सेंटेंस, डैड सेज डैश विल कम टू स्कूल टुमारो. यहाँ आपको प्रोनाउन फिल करना है. तो डैड ने क्या कहा? कि ही विल कम टू स्कूल टुमारो, कि वो स्कूल कल आएंगे. नेक्स्ट नाइन्थ सेंटेंस, करण सेज दैट दिस शर्ट इज हिज. हिज मीन्स उसकी, ये एक पोजेशन है जिस पे उसका हक है. क्योंकि यहाँ पे नाउन जो था वो पर्सनल नाउन था, तो पर्सनल नाउन के लिए यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ? हिज. करण क्या है? ही के लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? हिज. टेंथ सेंटेंस, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी. ही के लिए हिमसेल्फ. थ्री क्या होते हैं इसमें? ही हिज हिम. जहाँ आपको ही दिखाई देता है, लाइक करण में भी हमारा ही आएगा और यहाँ तो ही ऑलरेडी है ही, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? ही के लिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग हिज आएगा या हिम आएगा. ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू फिल द प्रोनाउन हेयर. वॉन द लॉटरी. लॉटरी किसने विन की? तो किसने के लिए क्या आएगा? हु. नेक्स्ट ट्वेल्थ सेंटेंस, इट इज़ वेरी डार्क हेयर, आई कांट सी. तो क्या है कि नहीं, ये नो में है, इसलिए यहाँ पे हमें वर्ड यूज़ करना है एनीथिंग. उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. नेक्स्ट है 13 सेंटेंस, आई एम राइटिंग डैश नोट्स. तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस 10th सेंटेंस में आपको समझाया था कि हमने वहाँ पे ही के लिए क्या यूज़ किया? ही हिज हिम. तो आई के लिए क्या आएगा? आई, माई और मी. हम वहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई के लिए फिल करेंगे. यहाँ पे जो भी हमें प्रोनाउन उसमें फिल करना. आई एम राइटिंग माई नोट्स, मैं अपने नोट्स लिख रहा हूँ.
नेक्स्ट है 14 सेंटेंस क्वेश्चन, हु फॉरगेट द आर्ट ऑफ टेकिंग डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, कौन भूल गया था, पोइट. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, अंडरलाइन द नाउन. तो आई जो है इसमें वो प्रोनाउन है, ड्रिंक इसमें वर्ब है, ऑफ इसमें प्रेपोजिशन है, बचा क्या, मिल्क. मिल्क कौन सा नाउन है, मटीरियल नाउन. नेक्स्ट 16th सेंटेंस क्वेश्चन, राम रिसीव्स द पार्सल, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू नेगेटिव. नेगेटिव में आपको इसको कन्वर्ट करना है, नेगेटिव वर्ड आया है इसलिए नोट तो इसमें आएगा ही. यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो यहाँ हम डू के साथ ईएस लगा देंगे और जो वर्ब का एस है उसे रिमूव कर देंगे. डज यूज़ करने के बाद डू के साथ हम ऑलरेडी ईएस यूज़ कर चुके हैं, सो हम यहाँ जो वर्ब के साथ एस या ईएस था उसे रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट है 17 सेंटेंस, द चाइल्ड वाज बिजी इन प्लेइंग विद, किसने बिजी था, वो ब्रोकन ट्विक के साथ खेलने में बिजी था. नेक्स्ट 18th, वेयर द पोइट यूज स्ट्रेंथ एट इज यंग एज, यंग एज में वो अपनी स्ट्रेंथ कहाँ यूज़ करता है, पोइट टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने में. नेक्स्ट 19 सेंटेंस, द पोइट फॉरगेट, क्या भूल जाता है, द आर्ट ऑफ टेकिंग डिलाइट इन सिंपल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना पोइट भूल जाता है. नेक्स्ट मूव टू 20th सेंटेंस, द चाइल्ड हैप्पी टू सिट इन, कहाँ बैठ के बच्चा खुश है, डस्ट मिट्टी में. 21st क्वेश्चन, इन द स्टोरी मिस्टर माइजर द पीपल ट्रेवल्ड बाय, मिस्टर माइजर वाले लेसन में लोग जो हैं वो किससे ट्रैवल करते थे, बाय फुट, क्यों पैदल चलते थे क्योंकि उस समय में व्हीकल्स नहीं थे. नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, व्हाट डाकूज डू विद लाला राम, लाला राम के साथ डाकुओं ने क्या किया, उन्होंने उसे पेड़ के साथ बांध दिया था. नेक्स्ट 23rd सेंटेंस क्वेश्चन, मिस्टर राइट गेव मिस्टर माइजर, मिस्टर माइजर को मिस्टर राइट ने क्या दिया, एडवाइस भी दी और साथ में बास्केट ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी दिया. नेक्स्ट 24th सेंटेंस, मिस्टर माइजर डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड हिज मनी ऑन वर्थलेस थिंग, वर्थलेस मीन्स जिन चीज़ों की कोई वैल्यू ना हो, जिन कामों की कोई वैल्यू ना हो उस पर वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता था. लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर राइट किस तरीके के इंसान थे, इंटेलिजेंट. मिस्टर माइजर क्या थे, वो एक माइजर थे, कंजूस थे, लेकिन मिस्टर राइट क्या थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.